पहली बड़ी खबर जो इस वक्त तुम्हारे लिए आ रही है, जरा ध्यान से देखिए, क्या दुनिया में सभी युद्ध का प्रायोजक चीन है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, किम के दक्षिण कोरिया पर हमले का चीन का कनेक्शन क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप से कैसे चीन और मालदीव को बड़ा रणनीतिक झटका दिया, पीएम के दौरे की इनसाइट रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तीसरी खबर, मुंबई में दाऊद की संपत्ति की नीलामी, इस दौरान दहशत कैसी दिखे, तस्वीरें देखिएगा। चौथी खबर, डॉन मुख्तार मोतियाबिंद से लाचार, पूर्वांचल के बाहुबली से जुड़ी खबर इतनी चर्चा में क्यों है? और पांचवी खबर, हरियाणा से महाराष्ट्र बंगाल तक ईडी का एक्शन, चुनावी मौसम में जांच एजेंसियों पर हमले से क्यों बड़ी टेंशन। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, समंदर में बढ़ती भारत की ताकत की आ रही है ब्रेक, करिए बड़ी खबर, भारतीय नेवी ने सोमालिया लुटेरों की तरफ से हाईजैक किए गए शिप में फंसे 15 भारतीयों समेत सभी 21 लोगों को छुड़ा लिया है। नेवी के मार्कोस कमांडो यूनिट ने अरब सागर में स्पेशल ऑपरेशन चलाकर जहाज में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। आईएनएस चेन्नई से पहुंचे मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नेवी चीफ ने निर्देश दिया कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मालवाहक जहाज एमवी लीला नोरफोको का कल देर शाम सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही अरब सागर में मौजूद आईएनएस चेन्नई फौरन हरकत में आ गया और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नेवी की तरफ से अब तक 3 वीडियो जारी किए गए हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो आईएनएस चेन्नई के जरिए हाईजैक किए गए शिप के पास पहुंचे। ये देखिए जरा, ये है भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडोज और ये नजर ड्रोन से रखी जा रही है, ध्यान से देखिएगा। नेवी ने जो दूसरा वीडियो रिलीज किया है वो भी देखिए जरा, उसमें नेवी के मार्कोस कमांडोज हाईजैक किए गए शिप पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये है मार्कोस कमांडोज, ये देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए, मार्कोस एक स्पेशल ट्रेन यूनिट है, कमांडो यूनिट नेवी की, और ये वो यूनिट है जिससे वाकई में दुनिया में बहुत ज्यादा खौफ है। तीसरा वीडियो हाईजैक किए शिप के ऊपर के अपर डेक का है, कैसे मार्कोस कमांडोज ने अपर डेक को सैनिटाइज किया और शिप पर फंसे 15 भारतीयों समेत 21 लोगों को सुरक्षित निकाला है। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी सहयोगी अंजू पूरी खबर बताइए जी। देखिए निशांत, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन जो है वो हमारी इंडियन नेवी ने बखूबी ढंग से किया है और जिस वक्त इस की जानकारी मिली, मालवाहक जो शिप है इसको हाईजैक कर लिया गया, इसकी जानकारी जैसे ही इंडियन नेवी को मिली तो आईएनएस चेन्नई को रवाना किया गया। इसके साथ ही P-8I जो एयरक्राफ्ट नेवी का है उसको सर्विलांस के लिए भेजा गया। इसके साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई और ड्रोन जो कि प्रीडेटर ड्रोन है, एक अटैकिंग ड्रोन है जिसको भारतीय नेवी लीज पर अमेरिका से ले रही है, जिसकी बहुत जल्द जो है भारत के पास अपने प्रीडेटर ड्रोन आएंगे, उन ड्रोन्स के जरिए यहां पर निगरानी की गई और मार्कोस के द्वारा ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। सबसे पहले जब मार्कोस इस एरिया के पास आईएनएस चेन्नई से पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संदेश भेजने की कोशिश की और एक अलर्ट जारी किया। उसके बाद जब धीरे धीरे जब मार्कोस वहां पर पहुंचे तो पता चला कि उस शिप के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन टोटल जिन लोगों को हाईजैक करके शिप में ले जाया जा रहा था करीब 21 लोग थे और उनमें 15 भारतीय थे जिनका सफलतापूर्वक हमारे जो मार्कोस है, हमारी जो नेवी है, उन्होंने सफलतापूर्वक जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मार्कोस अगर आपको याद होगा ये वही यूनिट है, 26/11 में जब घटना हुई थी तब इस यूनिट ने अपना पराक्रम दिखाया था, प्रवीण कुमार तितोतिया शौर्य चक्र जिनको मिला था। मार्कोस एक ऐसा यूनिट है जिससे खौफ खाते हैं समुद्री लुटेरे और ये एक बहुत ही ट्रेंड यूनिट है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये तो खबर हमें दिखाई दे रही है लेकिन नेवी चीफ का यह कहना कि अब इन्हें छोड़ना नहीं है, यानी भारत ने एक ऑल आउट स्ट्रैटेजी बना दी है, समुद्री लुटेरों के ऊपर कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल निशान, जिस तरीके से इसको लेकर जो नेवी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आई और साथ ही साथ नेवी चीफ ने भी इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए एक संदेश भी दिया कि इस ऑपरेशन को करना है क्योंकि भारत जितने भी साझेदार देश हैं उनके साथ मिलकर अपने जो नेवी ऑपरेशंस हैं उनको करता है, तो ऐसे में भारत की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो शिप है ये भारतीय शिप नहीं थी, लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए मैं आपको
यहाँ पर बताना चाहूंगी कि INS चेन्नई को तो भेजा गया, इसके अलावा जो अरब सी है, उत्तरी अरब सी है, वहां पर जो हमारी मर्मगांव शिप है जो कि एक विध्वंसक शिप है, इसके अलावा INS कोची, INS तलवार, ये तमाम तरह की जो शिप थी, करीब टोटल 5 शिप थी। अंजू मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बगैर किसी भी क्रू मेंबर के, कैजुअल्टी के, ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन अब एक और ऑपरेशन, हम बात कर रहे हैं अब चीन की। एक सवाल जो बहुत बड़ा है, क्या दुनिया में छिड़ रहे हर युद्ध का प्रायोजक चाइना है? इसका जवाब देने से पहले आपको दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच खुले नए वॉर फ्रंट के बारे में बताते हैं। उत्तर कोरिया ने आज अचानक दक्षिण कोरिया के इलाके में आर्टिलरी फायरिंग कर दी, 200 बार गोले दागकर, शेलिंग कर पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। सियोल से लेकर वॉशिंगटन तक खतरे की घंटी बजी हुई। दक्षिण कोरिया इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए फुल मूड में है, यह खबर आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हैं। आप देखेंगे, देख पाएंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर जगह तनाव में चीन ही शामिल है, और यह फैक्ट हम आपको दिखाने वाले। चीन जो है वो कैसे एक डेनिस द मेनिस बना हुआ, आइए देखते हैं। चीन हर फ्रंट पर अमेरिका विरोधी मोर्चे का अहम किरदार है, हर जगह तनाव का प्रायोजक है। यूक्रेन युद्ध, पुतिन के साथ जिनपिंग, सैन्य कारोबार में मदद, गाजा युद्ध, हमास, फिलिस्तीन का खुला समर्थन, मिडल ईस्ट, ईरान से करीबी, यूएस को काउंटर करने के लिए तैनात किए 6 युद्ध पोत, कोरियाई प्रायद्वीप, किम से दोस्ती मजबूत करने का ऐलान, दक्षिण चीन सागर, अमेरिका फिलीपींस युद्ध अभ्यास में बाधा, ताइवान फ्रंट, अमेरिका को दखल न देने की कई बार चेतावनी, और लगातार ताइवान के अंदर बलून भेजना, वो भी नए साल के मौके पर। चीन की मंशा है कि वो दुनिया में हर जगह अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज करे, अमेरिका को हर फ्रंट पर उलझाए, उसे सैन्य और आर्थिक तौर पर कमजोर करे। पुतिन भी इसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को हर मोर्चे पर उलझा रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आज किम जोंग ने कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध छेड़ने की जो हिमाकत की, उसके पीछे चीन और रूस है, जिनसे किम जोंग को गोले दागने में हिम्मत मिली, और इसे पूरा दक्षिण कोरिया सहम गया है, यानी एक और वॉर फ्रंट कोरियन पेनिनसुला में शुरू हो गया है। सुबह करीब 9 बजे थे, दक्षिण कोरिया में सब कुछ आम दिनों जैसा था कि अचानक किम जोंग की सेना ने दक्षिण कोरिया की ओर अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। दक्षिण कोरिया के हिस्से वाले विवादित योनप्योंग द्वीप की ओर बेहिसाब गोले दागे। उत्तर कोरिया के 200 गोलों से दक्षिण कोरिया का ये आइलैंड थर्रा उठा, भीषण फायरिंग से दहशत छा गई, और ये भयानक सिलसिला पूरे 2 घंटे तक, यानी सुबह 11 बजे तक चला। उत्तर कोरिया की तरफ से अचानक की गई इस कार्रवाई से कुछ घंटों के लिए ही सही युद्ध जैसे हालात बन गए। किम के इस खौफनाक कदम से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तक खलबली मच गई। किम की शेलिंग के बाद साउथ कोरिया में हाई अलर्ट घोषित हुआ, बॉर्डर एरिया में चौकसी बढ़ाई गई। दक्षिण कोरिया ने इसे किम की उकसावे वाली कार्रवाई कहा, प्योंगयांग को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। दक्षिण कोरिया ने अपने बयान में कहा कि गोलीबारी के कारण फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। गोले उत्तरी सीमा रेखा के पानी में गिरे, जो दोनों कोरियाई देशों के बीच की एक समुद्री सीमा है। दक्षिण कोरिया ने एहतियातन योनप्योंग द्वीप में रहने वाले 2000 लोगों के साथ साथ एक और द्वीप के लोगों को फौरन इलाका छोड़ देने के लिए एडवाइजरी जारी की, और अमेरिका को इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। दक्षिण कोरिया ने दुनिया को बताया कि उत्तर कोरिया ने उनकी विवादित समुद्री सीमा पर आर्टिलरी एक्सरसाइज की है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव युद्ध स्तर पर पहुंच गया। योनप्योंग द्वीप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक विवादित आइलैंड है। यहां उत्तर कोरिया 14 साल पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुका है। साल 2010 में उत्तर कोरियाई तोपखाने ने योनप्योंग द्वीप पर कई राउंड गोलीबारी की थी, जिसमें 2 नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त होने के बाद से अपने पड़ोसी पर सबसे भारी हमलों में से एक था, और उत्तर कोरिया ने उस समय कहा था कि उसे उकसाया गया था। युद्ध की नौबत उस समय भी बनी थी और वॉर टेंशन इस बार भी हाई है, लेकिन किम ने युद्ध भड़काने वाला ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या इसका कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा है? ये खुलासा अभी बाकी है। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग की इस हरकत का उसी की भाषा में जवाब दिया। उत्तर कोरिया ने 200 गोले दागे, तो जवाब में दक्षिण कोरिया ने उसकी तरफ 400 गोले दागे। दक्षिण कोरिया ने इस एक्शन का वीडियो जारी किया है।
अब चिंता बढ़ रही है। लेकिन किम जोंग कोरियाई प्रायद्वीप में कोई बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है? जानकार इसका अंदाजा तब से लगा रहे हैं जब से जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती और मजबूत करने का ऐलान किया है और किम ने पिछले वर्ष मॉस्को का दौरा किया और किम जोंग का दक्षिण कोरिया पर ताजा हमला अमेरिका को इस इलाके में से दूर रहने का सीधा मैसेज है। वैसे यहां पर यह भी समझना होगा कि उत्तर कोरिया ने यह गोले उस वक्त दागे हैं जब अमेरिका ने उस पर यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में गंभीर आरोप लगाए। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को अपनी तोपों से अचानक क्यों दहलाया? कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर अमेरिका तक यही सवाल हर किसी को बेचैन कर रहा है और जवाब शायद अमेरिका जानता भी है। असल में अमेरिका ने उत्तर कोरिया को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अमेरिका ने कहा कि 30 दिसंबर और 2 जनवरी को रूस ने उत्तर कोरिया के मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन पर दागी गई उत्तर कोरिया के मिसाइल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ज़ेपोरिज़िया में गिरी उस मिसाइल के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। ये मुद्दा अब नाराज अमेरिका यूएनएससी में भी उठाने वाला है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हालांकि अमेरिका के इस आरोप पर रूस या उत्तर कोरिया की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि गुरुवार को अमेरिका के लगाए इसी आरोप के बाद आज सुबह किम जोंग ने इसका बदला दक्षिण कोरिया पर गोले दाग कर लिया। वैसे इसी बीच उत्तर कोरिया को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किम जोंग ने 2 जनवरी को प्योंगयांग में अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मीटिंग में किम जोंग ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। किम जोंग ने अपने अधिकारियों से कहा था, जिस समय का उत्तर कोरिया को इंतजार था वो करीब है, अब अमेरिका से युद्ध होकर रहेगा। इससे पहले किम जोंग दिसंबर महीने में अमेरिका और दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी भी दे चुका है। अब आप दो चीजें समझिए, इस वक्त दुनिया में कितने वॉर फ्रंट खुले हुए हैं? पहला वॉर फ्रंट यूक्रेन का है, दूसरा गाजा और इजराइल का है, तीसरा गाजा और हूती का है, चौथा मतलब इजराइल और हूती का है, चौथा इजराइल और लेबनन का है, पांचवा जो अदृश्य है वो पांचवा वॉर फ्रंट है इराक और सीरिया का, जहां पर अमेरिका के बेसिस पे हमले हो रहे हैं, और छठा वॉर फ्रंट है नॉर्थ कोरिया। यकीन मानिए, क्या इसे आप विश्व युद्ध नहीं कहेंगे? सातवां वॉर फ्रंट जिसको दुनिया देखना नहीं चाहती है वो है अफ्रीका। यानी 7 वॉर फ्रंट इस वक्त दुनिया भर में खुले हुए। किम के भड़कने की एक वजह और है, दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट वॉर ड्रिल कर रहा है और वो भी नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर, नॉर्थ कोरिया की सीमा से सटे क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये ड्रिल चल रही है। यूएस साउथ कोरिया की तैयारी से परेशान है क्योंकि ये जंगी तैयारी उसके देश के खिलाफ है। नॉर्थ कोरिया की सीमा पर ड्रिल है, नॉर्थ कोरिया की सीमा से सटे यूएस साउथ कोरिया की ड्रिल है। यूएस फाइटर जेट और साउथ कोरिया के टैंकों का युद्ध अभ्यास नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के करीब पोचियोन इलाके में युद्ध अभ्यास हो रहा है। K1A2 टैंक, बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन, A10 जेट ड्रिल इसमें शामिल है। बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन किम के विमान को मार गिराने में सक्षम है। ड्रिल के दौरान यूएस का A10 जेट जमीनी सैनिकों को सुरक्षा देता दिखाई दिया। अब इस सब के पीछे कहानी देखिए, अभी हाल ही की बात है ना जब किम रूस से वापस लौटे हैं। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। विश्व के सारे युद्ध का प्रायोजक चीन भले ही हो, लेकिन भारत के सामने उसकी सारी चाल चित हो जाती है। अगली खबर, भारत के खिलाफ जिनपिंग के प्लान मालदीव पर, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति या कहे रणनीतिक प्रहार की। मालदीव भारत के लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। रणनीतिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए इसकी काफी अहमियत है। यहां के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में, मालदीव की कमाई का अहम जरिया भी है। मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों पर निर्भर है। हर साल बड़ी तादाद में भारतीय, खासकर बॉलीवुड सितारे, हॉलिडे एंजॉय करने के लिए मालदीव का रुख करते हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव भारत के रिश्ते खराब हुए। मुइज़्ज़ू जिनपिंग के इशारे पर भारत से दूरी बना रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मालदीव का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा करने से पहले चीन का दौरा कर रहा है। मालदीव की तरह लक्षद्वीप की पहचान भी उसके खूबसूरत समुद्र तट से है।
ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति की नब्ज जानने वाले जाने माने एक्सपर्ट रविंदर सचदेव और पिनाक रंजन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मालदीव से जोड़कर देखते हैं। कल हमने आपको इसी शो में सबसे पहले पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का वीडियो दिखाया। पीएम मोदी के वीडियो के बाद सर्च इंजन गूगल पर डेली सर्च में लक्षद्वीप टॉप पर बना हुआ है। लक्षद्वीप अक्सर डेली सर्च में टॉप पर रहता है। एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मालदीव को बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने चीन के पाले में जा रहे मालदीव को बता दिया है कि अब भारतवर्ष को उसकी जरूरत नहीं है। ये दिखाना कि यस हम अपने इस इलाके में अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में भारत अब एक मैरिटाइम पावर की तरह उभर रहा है और जहां भी हमारे एसेट्स हैं, आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार हो गए मेनली हमारे वो आइलैंड्स की चेन और इधर लक्षद्वीप की चेन्स हैं, इन दोनों पे अब हम ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। तो मालदीव्स के लिए डेफिनेटली ये सिग्नल है, ऑल्सो चाइना के लिए है क्योंकि चाइना भी भारत के चारों तरफ अपने नेवल बेसिस बना रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी जो स्ट्रैटेजी है भारत को घेरने की, तो उसका भी ये काउंटर सिग्नल है चाइना के लिए डेफिनेटली। लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से उसको प्रमोशन कर रहे थे। मालदीव को अगर चीन के साथ जाना है, उनको ये समझना होगा कि भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। चीन ने जरूर ऐसा कुछ कदम उठाया होगा मालदीव्स में जिन्होंने जिससे वो जो इनके प्रेसिडेंट है या तो उनको कुछ प्रॉमिसेस की होंगी कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या चीन का रवैया ये रहा है कि वो जो हमारे नेबर्स में जितने भी लीडरशिप रोल्स में हैं लोग डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको वो खरीद लेते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताते, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तीन चीजें भूल गए। पहला कि भारत मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे वाटर क्राइसिस हो या सुनामी हो। दूसरा, जो श्रीलंका का हाल चीन ने किया वही मालदीव का किया जा सकता है। और तीसरा, मालदीव के लिए भारत एक नेचुरल अलाय है, चीन नहीं। जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव और चीन दोनों के लिए संकेत है। हमारे एक्सपर्ट्स ने मालदीव और चीन के संदर्भ में जो बातें कही हैं कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से उसके क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का वीडियो एक तीर से दो निशाने साधने जैसा था। निशाने पर चीन और मालदीव दोनों थे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का यही मानना है, हमारे एक्सपर्ट्स जिस तरह पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मालदीव्स और चीन से जोड़कर देख रहे हैं उसके कूटनीतिक और रणनीतिक मायने क्या हो सकते हैं वो बताते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप जाकर संदेश दिया कि हम अपने आइलैंड पर फोकस कर रहे हैं, इसके मायने निकाले जाएं तो इसे पर्यटन के लिहाज से भारतीयों पर निर्भर मालदीव्स को आर्थिक झटके के दांव के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि पीएम ने अपने दौरे से चीन मालदीव समेत दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक उभरती मैरीटाइम पावर है। अब चूंकि हिंद महासागर से भारत का अधिकतर व्यापार होता है, पीएम मोदी का मकसद मालदीव्स को ये बताना था कि उस जैसे आइलैंड के लिए भारत से संबंध बिगाड़ना अच्छा नहीं है। तीसरा, हमारे एक्सपर्ट्स ने इसे चीन के लिए भी काउंटर सिग्नल करार दिया, यानी मालदीव्स में अपनी पैठ बना रहा चीन हरकतों से बाज आए क्योंकि भारत समुद्री सीमा की रक्षा करना अच्छे से जानता है। आखिर में एक्सपर्ट्स की माने तो ये मालदीव्स के लिए संकेत है कि उसकी हरकत से दोनों देशों के पुराने रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि वो चीन के चक्कर में भारत के साथ संबंध खराब ना करे क्योंकि उसका हित भारत के साथ जुड़ा है, भारत उसके लिए एक बड़ा टूरिज्म मार्केट है। मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अपना भारत के खिलाफ भौंपू खूब बजाया चुनाव में और अब वो उनकी मजबूरी बन गई है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के साथ नहीं रहने पर उनका कितना नुकसान होने वाला है। बावजूद इसके सोचिए क्या हाल है मालदीव के नए राष्ट्रपति का। भारत के लिए मालदीव सामरिक और रणनीतिक तौर पर कितना अहम है अब वो जान लेते हैं। मालदीव भारत के लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव के हिंद महासागर में स्थिति सामरिक पर तौर पर काफी अहम है। मालदीव ऐसे जहाज मार्ग से सटा है जिससे होकर चीन, जापान, भारत जैसे कई देश को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। मालदीव से चीन आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। मालदीव के विदेशी कर्ज में 70% हिस्सा चीन का है। हिंद महासागर के इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी।
चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के तहत 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नेवी जहाज भेजने शुरू किए। इससे मालदीव का महत्व काफी बढ़ गया और वो भू राजनीति का अहम केंद्र बन गया। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लक्षद्वीप का वीडियो जारी कर मालदीव को कूटनीतिक रणनीतिक मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी है। इसका कारण मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव के रिश्तों में आई तल्खी है। ये तल्खी कैसे आई है? आप खुद देखें। मालदीव्स के राष्ट्रपति पद के लिए मोइजू की दावेदारी के साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास का दौर शुरू हो गया था। मोइजू ने अपने चुनावी अभियान में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। मालदीव्स ने भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा का फैसला किया है। मालदीव ने भारत के साथ जल समझौते को खत्म कर दिया है। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अनुमति थी। सर्वे से मिले डेटा का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य लिहाज से होता था। मालदीव में दशकों से परंपरा रही है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पहले विदेश दौरे में भारत की यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत रही हैं। लेकिन मोइजू परंपरा को तोड़ते हुए 8 से 12 जनवरी तक चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मालदीव दिसंबर महीने में कोलंबो में हुए सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी शामिल नहीं हुआ था। इसमें वो भारत, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ सदस्य देश है। ये सारे संकेत बताते हैं कि मालदीव भारत से लगातार दूरी बना रहा है और चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। इस सब के बीच में अब अगली खबर क्यों रुक करते हैं। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी आज बिक गई है। सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई खरीदार आएगा, क्योंकि अब तक जितनी नीलामी हुई उनमें कुछ संपत्ति का पोजेशन भी नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए खरीदार आज तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच आज मुंबई के आयकर भवन में दाऊद इब्राहिम की 4 और प्रॉपर्टी की नीलामी रखी गई। ये संपत्ति दाऊद की मां के नाम पर, इनमें 2 के लिए बोली लगाने वाले आए और दाऊद की ये 2 संपत्ति को नीलाम हो गई, लेकिन 2 के लिए कोई खरीदार नहीं आया। यानी दाऊद की 2 संपत्ति के लिए कोई बोली ही नहीं लगी। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत के मोस्ट वॉन्टेड दाऊद का खौफ आज भी बरकरार है? क्या दाऊद के खौफ की वजह से उसकी 2 प्रॉपर्टी के लिए कोई सामने नहीं आया? ध्यान से शायद ये खौफ दाऊद इब्राहिम का है। वो भले ही पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन मुंबई में जब उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी की बारी आई तो सिर्फ 7 खरीदार सामने आए। ये नीलामी क्यों हो रही है और किस चीज की हो रही है, पहले ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको मुंबई से 350 किलोमीटर दूर रत्नागिरी ले चलते हैं। रत्नागिरी के मुंबके इलाके में आप जो ये खेत देख रहे हैं, ये दिखने में भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। दाऊद की इन्हीं 4 पुश्तैनी प्रॉपर्टी की नीलामी मुंबई के आयकर भवन में रखी गई। बाहर बैनर पर वक्त और प्रक्रिया पहले से ही बता दी गई थी। पहली संपत्ति 10,420.5 स्क्वायर मीटर की थी, जिसकी कीमत 9.4 लाख रुपए रखी गई। 8,953 स्क्वायर मीटर की दूसरी संपत्ति के लिए 8 लाख रुपए तय किए गए। 171 स्क्वायर मीटर के तीसरे प्लॉट के लिए 15,440 रुपए बेस प्राइस था और 1730 स्क्वायर मीटर की चौथी प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 लाख रुपए तय की गई। नीलाम होने वाली 4 संपत्तियों की कुल कीमत 19.2 लाख रुपए थी। इन खेतों की नीलामी पहले भी तय थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। आज इन 4 में से तीसरी और चौथे नंबर की प्रॉपर्टी यानी 2 संपत्ति की बोली लग गई। 15,440 रुपए बेस प्राइस वाली प्रॉपर्टी 2,01,00,000 में बिकी। इसके लिए सिर्फ 3 खरीदार सामने आए, जबकि 1.5 लाख बेस प्राइस वाली प्रॉपर्टी 3,28,000 में बिकी, जिसके लिए कुल 4 लोग आए। दाऊद की 2 संपत्ति के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। जिस तरह से बहुत सारे लोग नहीं आए, महज गिने चुने लोग आए, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज भी लोगों के मन में डॉन का खौफ बना हुआ है। जिस तरह से बहुत सारे लोग नहीं आए, महज गिने चुने लोग आए, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज भी लोगों के मन में डॉन का खौफ बना हुआ है। नीलामी में शामिल हुए भगवान छतलानी ने भी बताया कि डर तो लगता है। दूसरों का नहीं पता, मुझे तो डर लगेगा ही। डॉन के इस डर के बावजूद दाऊद की दोनों पुश्तैनी संपत्ति की बोली इस बार भी दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने जीती। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने रत्नागिरी में खेत खरीदने की वजह भी बताई।
ये 7 की लैंड मेरे पास है, उसका इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूँ, पर बच्चों के लिए स्कूल में बनाने जा रहा हूँ, तो इस जमीन का इस्तेमाल मैं वहाँ पर हॉस्टल बना के करूँगा। रत्नागिरी के मुंबई में ये खेत और घर दाऊद के हैं, जहाँ कभी उसका परिवार रहता था। लोगों का कहना है कि ये संपत्ति अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के दिल के करीब थी, जिससे वो धीरे धीरे हाथ धोता जा रहा है। वैसे पहली बार नहीं है जब दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को नीलाम किया गया। 23 साल से प्रक्रिया चल रही है। कोशिश है कि दाऊद के खौफ को लोगों के दिल से निकाल दिया जाए। अब तक मोस्ट वांटेड दाऊद की कुल 11 प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी है। 2001 में दिल्ली के अजय श्रीवास्तव ने दाऊद की संपत्ति खरीदी थी, हालांकि अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया, जिसके लिए अदालती लड़ाई चल रही है। 2015 में पूर्व पत्रकार बालकृष्ण ने दाऊद के होटल रौनक अफरोज के लिए 4 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन तय समय पर रकम जमा नहीं होने से नीलामी रद्द हो गई। इसके बाद 2017 में मुंबई में अफरोज होटल समेत दाऊद की 2 अन्य संपत्तियों को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीद लिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के एक वक्त डाउन रहे माफिया मुख्तार अंसारी के। एक जमाने में पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी उसकी एक टेढ़ी नजर दुश्मन में खौफ पैदा करती थी, लेकिन आज वही मुख्तार अंसारी मोतियाबिंद से परेशान इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार तब दिखता था ऐसा रौला, अब मोतियाबिंद से परेशान। तब मूंछों पर ताप देता था, अब बीमारी से जूझ रहा है माफिया। तब एक इशारे पर दुश्मन ठिकाने लगते थे, अब इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहा। तब गाड़ियों का काफिला चलता था, अब एक वैन में होती है पेशी। देखा आपने, एक समय माफिया मुख्तार का कैसा रौला था, अब क्या हो गया। 1988 में उत्तर प्रदेश का एक जिला बना मऊ। मऊ ने माफिया से नेता बने मुख्तार को लगातार 5 बार अपना नेता चुना, उसे सांसद बनाया, लेकिन तब मुख्तार कानून को मानने से ज्यादा कानून को तोड़ने के लिए कुख्यात था। अब उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल में बंद है, लाचार इतना कि पूछे मत, मोतियाबिंद जैसी बीमारी की वजह से गिड़गड़ा रहा है। साहब मोतियाबिंद हो गया, सही से दिखाई नहीं दे रहा, इलाज करवा दीजिए। अपनी पेशी पर जज साहब के सामने यही गुहार लगा रहा था माफिया मुख्तार अंसारी। यही शब्द भी थे उसके, गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर कह रहा था, आंखों से लाचार हो गया हूं साहब, काला मोतियाबिंद हो गया है साहब, प्लीज प्लीज साहब इलाज करवा दीजिए। एक बार को ये सुनकर यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि माफिया मुख्तार की ये हालत हो गई है, लेकिन यकीन मानिए ये है 100% सच। हुआ ये कि यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। पेशी फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में हुई, लेकिन केस का गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते जज कमलकांत श्रीवास्तव ने सुनवाई टाल दी। जज साहब ने अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी, लेकिन तभी पेशी के दौरान गवाहों को घूर कर देखने वाले माफिया ने अपनी आंख खराब होने की बात जज साहब को बताई। उसने कहा कि मेरी दाहिनी आंख में काला मोतियाबिंद हो गया है, जिससे देखने में दिक्कत हो रही है। साहब मोतियाबिंद हो गया, सही से दिखाई नहीं दे रहा, इलाज करवा दीजिए। मुख्तार यही नहीं रुका, वो अपनी आंखों को लेकर इस कदर परेशान था कि इसका ठीकरा भी जेल प्रशासन पर फोड़ डाला। मुख्तार ने जेल प्रशासन पर सही इलाज न कराने की शिकायत जज साहब से की। उसने कहा कि जेल प्रशासन इलाज के लिए सुनवाई नहीं कर रहा, जिस पर जज ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना पत्र दे दीजिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है।
पिछले कुछ दिन में ईडी के समन को लेकर सियासत हो रही थी, लेकिन आज ईडी के छापे के दौरान बहुत ही हैरान करने और परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ईडी की टीम आज सुबह राशन घोटाले के मामले में छापेमारी के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंची। ईडी की टीम को संदेश खाली गांव में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करनी थी, लेकिन ईडी के अधिकारी टीएमसी नेता के घर तक पहुंचते इससे पहले ही उन्हें करीब 200 लोगों ने घेर लिया। उग्र भीड़ ने हंगामा कर दिया, भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई, ईडी के अफसरों पर हमला होने लगा, ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। इस हमले में ईडी के कई अफसर घायल हो गए, एक अफसर के सिर पर चोटें लगी, वो लहूलुहान हो गए। बेकाबू भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, कई कारों के शीशे तोड़ दिए हैं। भीड़ अफसरों की जान लेने पर आमादा थी, छापेमारी के लिए गई टीम के लोग किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। सोचने वाली बात यह है कि ईडी की टीम घोटाले के आरोपी के घर छापे मारने गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को रोकने के लिए भीड़ को ढाल बनाया गया, भीड़ से जांच टीम पर हमला करवाया गया, पत्थर फेंकवाए गए। ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या राज्यों में जांच एजेंसियों पर हमले होंगे? क्या जांच एजेंसियों को रोकने के लिए आरोपी हमला कराएंगे? क्या जांच एजेंसियां राज्यों में शांति पूर्वक जांच भी नहीं कर सकती? क्या जांच एजेंसियों को अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर चलना होगा? ईडी की टीम पर जानलेवा हमला दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर हुआ है, लेकिन आरोपी टीएमसी का नेता है, इसीलिए पूरा मामला सियासी हो गया, क्योंकि अटैक केंद्रीय जांच एजेंसी पर हुआ था, इसीलिए गवर्नर ऑफिस से लेकर गृह मंत्रालय तक हड़कंप मच गया। ममता बनर्जी सरकार निशाने पर। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली गांव में ईडी की टीम को भीड़ ने निशाना बनाया, वो पश्चिम बंगाल के सीएम ऑफिस से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी के अफसरों को खून से लथपथ कर दिया। संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहां पे जिस तरीके से ईडी के अफसरों के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंगा मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। जांच एजेंसियों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, ऐसी तस्वीरें आएंगी, ये देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को कोई आश्चर्य नहीं है। सारे आदि है, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं। सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। हालांकि टीएमसी के नेता अभी भी इस हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। संदेश खाली, एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय तृणमूल कांग्रेस, बट द विलेजर्स वर कंप्लेनिंग दैट दे वर प्रोवोक्ड बाय द सेंट्रल फोर्सेस व्हिच वर अकॉम्पनिंग द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। रेड मारने गई टीम में ईडी के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी थे, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। हालांकि हिंसा के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुर्सी पर रहें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, जनता से माफी मांगे, और जो ईमानदार अफसर हैं जिन पे ये हमला हुआ उनसे माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। घटना गंभीर है, इसलिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्य सचिव को तलब किया, ममता सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी, हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन लेने को कहा। इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप बार्बरिज्म एंड वैंडलिज्म इन अ डेमोक्रेसी। इफ गवर्नमेंट फेल्स इट्स बेसिक ड्यूटी देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल डेफिनेटली टेक इट्स कोर्स। बीजेपी ने इस मामले को रोहिंग्या से जोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इस सब के बीच में आपको बड़ी खबर बता दें, जिस राशन घोटाले में ईडी की टीम उत्तर 24 परगना गई थी उसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के राशन घोटाले से है। ये समझना जरूरी है कि आखिर यह राशन घोटाला क्या है। आरोप है कि कोरोना महामारी के वक्त गरीबों को मुफ्त मिलने वाले राशन में हेराफेरी की गई। आरोप है कि पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन का 30% हिस्सा खुले बाजार में बेचा गया। राशन घोटाले का पैसा मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों को
के बीच बांटा गया। आरोप है कि मिल मालिकों को एक क्विंटल चावल पर 200 रुपए मिले। इस मामले में ईडी ने 26 अक्टूबर 2023 को ममता सरकार के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड मारी थी। ईडी ने चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में ईडी को छापे मारने से रोक दिया गया, इसीलिए आज ईडी की टीम को राशन घोटाले से जुड़े दस्तावेज और सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन हरियाणा में ईडी की छापेमारी में जो कुछ मिला है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर कल सुबह जारी छापेमारी आज चौंकाने वाली तस्वीरें आती हैं। गुरुवार सुबह जब यमुनानगर में दिलबाग सिंह के ठिकानों पर नोटों की गड्डियां और अवैध हथियार मिलने लगे तो ईडी के अफसर हैरान रह गए। दिलबाग सिंह के ठिकानों से मिले 5 करोड़ रुपए कैश की गिनती आधी रात बाद तक चली। आप खुद देखें जरा। ये हरियाणा में INLD के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से बरामद वो सामान है जिसे देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान रह गए। पूर्व विधायक के ठिकानों से क्या क्या मिला, पहले ये लिस्ट देखिए। रेड में 5 करोड़ कैश मिले, 3 सोने के बिस्किट मिले जिनका वजन 4 से 5 किलोग्राम बताया जा रहा है, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें मिली, छापेमारी में 4 अवैध विदेशी राइफल बरामद हुई है, 300 कारतूस भी मिले। इसके अलावा विदेश में करोड़ों रुपए कीमत की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। दिलबाग सिंह की गिनती हरियाणा के सबसे अमीर विधायकों में होती है। उनका ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का कारोबार है। ईडी के छापे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद मारे गए। ईडी की कई टीमों ने यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में 20 ठिकानों पर कई घंटों तक रेड की। दिलबाग सिंह यमुनानगर से INLD के टिकट पर 2009 और 2014 में विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए। ईडी का एक्शन महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ईडी की जांच के दायरे में शरद पवार के पोते रोहित पवार भी आ गए। आज ईडी ने विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो पर छापा मारा। सुबह ईडी की टीम बारामती एग्रो के दफ्तर पहुंची। सहकारी बैंक से जुड़े घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बारामती, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह मामला क्या है इसे भी समझ लेते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमाया ने कन्नड़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी ने इस फैक्ट्री को नीलामी में सिर्फ 50 करोड़ रुपए में खरीदा था। किरीट सोमाया ने दावा किया था कि नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर में गलत तरीकों से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों पर जांच के आदेश दिए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अजीत पवार, शरद पवार और 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया। लेकिन ईडी ने मुंबई पुलिस के जांच बंद करने का विरोध किया और नए सिरे से जांच शुरू की। अब इस मामले में छापेमारी हो गई। और अब वो खबर जिससे एक बार फिर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। चंद घंटे बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो फिर इतिहास रचने वाला है। हम बात आदित्य L1 मिशन की कर रहे हैं जो अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अंतिम पड़ाव में। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 कल सूर्य के L1 पॉइंट में प्रवेश कर जाएगा। मतलब यह कि अब भारत का पहला सूर्य मिशन भी सफल होने वाला है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं भारत का आदित्य सूर्यान जहां ठहरेगा उसे L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। कल हमारा सूर्यान उसी पॉइंट पर पहुंचेगा। कल स्पेस में भारत का पहला सूर्य नमस्कार होगा। पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1 5 महीने बाद 6 जनवरी की शाम को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। L1 पॉइंट पर मौजूद आदित्य सैटेलाइट की दूरी उस समय धरती से 15 लाख किलोमीटर होगी, जो पृथ्वी और सूरज के बीच की कुल दूरी का केवल 1% है। आदित्य सैटेलाइट L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट पर अगले 5 वर्षों तक रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे सूरज की आसानी से स्टडी की जा सकती है। लैग्रेंज पॉइंट की एक खासियत ये भी है कि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो अंतरिक्ष में 2 पिंडों के बीच होते हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास लोकेशन। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, इसलिए यहां मौजूद अंतरिक्षयान स्थिर रहता है। इन्हीं 2 कारणों से आदित्य के लिए इसरो ने लैग्रेंज पॉइंट का चुनाव किया था।
कल शाम जैसे ही आदित्य L1 अपने लैंग्वेज पॉइंट में पहुंचेगा तो भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो पहले से सूरज की स्टडी कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। अगले 5 साल तक आदित्य L1 जिस सोलर सिस्टम की स्टडी करेगा उससे हमें कई फायदे होंगे। आदित्य L1 पॉइंट से सूरज के किनारों पर होने वाली गर्मी का पता लगेगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा, पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणें और रेडिएशन से मौसम पर पड़ने असर का पता लगेगा। अब खबर ठंड की करते हैं। आपने गानों में दिल्ली की सर्दी को सुना होगा, क्या आपको भी वैसी ही सर्दी सताने लगी? क्या आप वैसी ही डिटरन महसूस कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देश के कई राज्य खासतौर से उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक चल रहा है। कोहरे की मार के साथ तापमान भी गिरता जा रहा है। दिल्ली NCR में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हो चुका है। कश्मीर में बर्फ की परत जमने लगी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ऐसे में सवाल यह है कि कड़ाके की ठंड कब तक पड़ने वाली है? यह ठंड आने वाले दिनों में बढ़ेगी या घटेगी? आइए देखते हैं। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ ही पारा लगातार गिरता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार में पारा 12 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक लुढ़क गया। गलन वाली ठंड में लोगों को सूरज के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि सर्दी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा 9 जनवरी के आसपास बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 8, 9, 10 को हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वगैरह में, राजस्थान में हल्का फुल्का रेनफॉल होने की उम्मीद है। साफ है कि इसके बाद जबरदस्त शीतलहर अभी जारी रहने वाली है। कोहरे का खतरा भी बना हुआ है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली और हरियाणा में रफ्तार पर ब्रेक लग गई। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखी। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे से अभी निजात मिलने वाली नहीं है। कोई टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर गिरने की हम आने वाले 5-7 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया सेंटर और पूरे रीजन में इंक्लूडिंग NCR दिल्ली में उम्मीद नहीं कर रहे मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। मौसम विभाग ने जनवरी के दिनों को कोल्ड डे के तौर पर घोषित किया है। ठंड को मापने का मौसम विभाग का ये एक खास टर्म है। मौसम विभाग के अनुसार जब दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान में सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाए तो ऐसे दिन को कोल्ड डे कहते हैं। उत्तर भारत में नया साल शुरू होने के बाद से कमोवेश ऐसा ही हाल है। ठंड का ये हाल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि यूरोप से लेकर चीन तक कपकपी छूट रही है। और ठंड इस बार पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिनलैंड की अगर आपको तस्वीर दिखाएं, फिनलैंड में सर्दी का आलम यह है कि उबलता हुआ पानी उछालने के बाद वो तुरंत बर्फ बन जाता है। ये तस्वीरें देखें जरा, उबलता हुआ पानी उछाला गया और बर्फ बन गया। तापमान कितना नीचे जा चुका है, हवा में पानी जम चुका है। -25 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान बताया जाता है। फिनलैंड जैसा हाल स्वीडन का है। वहां ठंड के साथ भीषण बर्फबारी हो रही है। 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सब कुछ वहां पर सफेद नजर आ रहा है और यहां पर -35 के नीचे तापमान है।